हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां हम गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे प्राइस एक्शन बेसिस पे, और देखेंगे कल आप इसको इंट्राडे पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ इंट्राडे के अपन इसका ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, और कोशिश करेंगे ये अंडरस्टैंड करने की कि मार्केट का डेटा क्या कह रहा है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, क्या दोनों चीज़ें सेम कह रही हैं। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे कि क्या मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया असेंडिंग ट्रायंगल का, आप देख सकते हो बहुत अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल था, मार्केट ने फ्राइडे को ब्रेकआउट दिया, तो क्या ये पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो हम बाय करें, क्या ये फ्लैट खुल के तुरंत यहाँ से ऊपर निकलेगा कैसे, तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे। बट अपन पहले थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से इनसे स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम पे क्या किया है। और गाइस, वैसे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का डेडिकेटेड वीकली एनालिसिस डाल चुका हूँ कल वीडियो, तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, जिनको डिटेल्ड एनालिसिस देखना हो पूरा वो उस पर देख सकते हैं। अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे हमें 18,900 का मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था पिछले साल, वहां से हम 4 मंथ काफी अच्छा करेक्ट हो रहे थे। फिर रिसेंटली पिछले 2 मंथ अप्रैल और मई हमारे लिए बहुत बुलिश रहे, मार्केट ने डब्ल्यू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना के बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दिया, और तब से हम लगातार बुलिश मोमेंटम में वर्क कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे तो मार्केट को आप क्लियरली देख के कह सकते हो कि मार्केट लगातार हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बना रहा है और स्लो एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है। हालांकि ये जो ब्रेकआउट था ये बहुत स्ट्रांग था, अभी थोड़ा सा मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नहीं था, बट स्लो एंड स्टेडी थोड़ा सा ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है, थोड़ा ऊपर फिर पुल बैक लेता है, फिर मार्केट ने फाइनली लास्ट फ्राइडे काफी अच्छा एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें शो किया। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये तो ऑल टाइम हाई अपना रेजिस्टेंस रहता ही है, तो इसको अपन मार्क कर लेते हैं, आगे काम में आएगा ये मैं प्राइस एक्शन सब हटा देता हूँ, हाँ फ्रेश एनालिसिस देखते हैं। उसके नीचे अगर आप, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आया था तो मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया था, यहाँ से एक मॉर्निंग स्टार बना के वापस मार्केट नीचे गिरना चालू हुआ, इवनिंग स्टार बना के मार्केट गिरना चालू हुआ था। तो इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि और बेटर लगे। तो ये तो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस अपना, सेकंड एक ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जहां से मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की बट सस्टेन नहीं हुआ, और वहां से हमें एक सेलिंग देखने मिली, तो मैं इस लेवल को भी मार्क कर देता हूँ। नीचे के हालांकि लेवल्स और निकाल सकते हैं, बट अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उनके लिए, उस चीज के लिए ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई निकलता है तो क्यों निकलेगा। तो आप देखो हमने जो एक मेजर रेजिस्टेंस देखा था सेकंड रेजिस्टेंस, मार्केट ने थोड़ा उसके टाइम उसके आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, थोड़ा सा एक बार मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आया, बट अगर आप अभी पिछले 2-3 दिनों का प्राइस एक्शन देखोगे, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, एक छोटा पुल बैक लिया और प्रॉपरली रेजिस्टेंस के ऊपर ऑलमोस्ट 2-3 कैंडल क्लोज कर दिए, तो एक जो हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस था उसका तो ब्रेकआउट कहीं ना कहीं हो चुका है। अब बात करते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, तो अगर आप लेवल्स की बात करो इसके बाद हम बहुत क्लोज आ गए हैं अपने ऑल टाइम हाई के, इसके बाद अगर ब्रेकआउट आएगा तो सीधा हमें ऑल टाइम हाई एक फ्रेश मोमेंटम देखने मिलेगा, मार्केट 19,000 के आसपास जाने की टच कर सकता है। तो अब जो हमारे बीच में लेवल आ रहा है वो सीधा ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद हो सकता है मार्केट कल ही मतलब मंडे को ही एक प्रॉपर ब्रेकआउट दे दे, तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है हमारे लिए, ये नीचे वाला लेवल हटा देते हैं, इंट्राडे वाला मार्क रहने रहते हैं। तो बस 15 मिनट में ओपन चल के देखें, तो यहाँ पे मैं थोड़े से प्राइस एक्शन ड्रॉ करता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा कि मार्केट को अगर मैं ऐसे एक रेजिस्टेंस की इस लेवल को अगर मैं ऐसे एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करूँ, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और नीचे जो जो कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट अभी वो रिसेंटली जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऐसा, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है बहुत क्लीन तो नहीं है, बट रफ बेसिस पे आप देखो मार्केट ने एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, नीचे से ये ट्रेंड लाइन है, बहुत बड़ा अच्छा था असेंडिंग ट्रायंगल नहीं, बट फिर भी एक रफ बेसिस पे एक ट्रायंगल था, या ट्रायंगल नहीं मानना हो तो ठीक है इसको हटा देते, एक मेजर लेवल था हमारे पास जिसके आसपास से हमें लास्ट 2 एक्सपायरी बहुत बड़े बड़े सेल ऑफ देखने मिले थे। बट अगर आप फ्राइडे का प्राइस एक्शन देखो तो मार्केट ने पहले गैप अप खोला, गैप अप खोलने के बाद कंसोलिडेट करा रेजिस्टेंस के नीचे, और सेकंड हाफ में एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दे दिया, और ये अपना ऑल टाइम हाई का वो लेवल है जो अपन ने मार्क कर रखा है। तो आप देखो हम कितने क्लोज है ऑल टाइम हाई से, तो लाइक बहुत दूर नहीं है। तो अब समझने की बात यह है कि अब जब हमने इतने बड़ा लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है तो अब हम कैसे अप्रोच करें मार्केट को, अपन ने अभी तक तो समझ लिया। इसके लिए पहले अपन थोड़ा सा निफ्टी का डेटा स्टडी करते हैं। तो गाइस ये निफ्टी ट्रेडर नाम की वेबसाइट है, काफी सिंपल और क्लीन वेबसाइट है, आप लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि जो अपन एनएससी की ऑप्शन चेन पे डेटा देखते हैं वो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में मिल जाता है, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा डिजिट देखे, कॉलम देखे, क्या देखे, तो यहाँ पे ग्राफ फॉर्म में दिख जाता है। तो ये वेबसाइट के कुछ फीचर्स फ्री हैं जो अपने काम के हैं, वो अपने को फ्री मिल जाते हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन पे आओगे, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस खुलता हुआ दिख जाएगा। अब इसमें क्या है कि देखो आप ग्राफिकल फॉर्म में आपको ओआई समझाया गया है कि ये जो टावर्स बने हुए हैं ये ऑप्शन वो ओआई को रिप्रेजेंट करते हैं, पिंक वाला पुट की साइड है मतलब पुट सेलर, और ब्लू वाला कॉल सेलर है। तो अगर आप पिक्चर को देख के बोलो
कि क्या आपको समझ में आ रहा है। तो निफ्टी पे अगर आप देखोगे तो पिंक कलर का कंप्लीट एक डोमिनेशन हमें दिख रहा है, मतलब कि पुट साइड डोमिनेटेड ऑप्शन चेन है, मतलब पुट सेलर्स की साइड मैक्सिमम लोग पुट शॉर्ट करके गए, पुट शॉर्ट करके गए मतलब उनका कहना यह है कि निफ्टी इस लेवल के सर्टेनली ऊपर रहेगा एक्सपायरी के दिन तक या एक्सपायरी तक, इसलिए उनने पुट शॉर्ट करा है। और अगर आप कॉल की देखो तो कॉल में उतना कोई खास लेवल किसी का कुछ है नहीं, हाँ 19,000 पे थोड़ा सा एक लेवल है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब इसको रीड कैसे करते हैं कि जैसे ये जो टावर्स बने हैं ये लोग ये इंपॉर्टेंट लेवल से मार्केट के लिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है पिंक वाला मार्केट के लिए। तो 18,700 जो लेवल है यहाँ पे बहुत मतलब ये स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस पे लोग बहुत हैवीली शॉर्ट करके गए पुट, मतलब कि वो एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा तो वो रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम करता है। अब ब्लू पे जो कह रहे हैं जैसे 19,000 का यहाँ पे है, अगर आप कंपेयर करो तो ऊपर, अगर हम 18,800 के ऑलरेडी ऊपर ही चल रहे हैं तो अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता है तो 8,900 पे कोई खास रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब ऑल टाइम हाई शायद ऐसे ही क्रॉस कर देगा मार्केट। 19,000 का राउंड लेवल है, वहां पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करने मिल सकता है। बट अगर आप पुट साइड देखो तो कॉल साइड इतना कोई खास डोमिनेशन है नहीं कॉल या सेलरों का, तो अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है तो कहीं ना कहीं हमें एक ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है फ्रेश, वो भी बहुत तेजी से। तो आप देख सकते हो हमने ये ओआई देख के पता लगाया कि पुट साइड ज्यादा वजन है अभी, या ऐसा कह लो आप कि पुट साइड ज्यादा डोमिनेटेड ओआई है, मतलब ज्यादातर लोग अभी बुलिश है ऑप्शन चेन को लेके, ऑप्शन चेन को लेके नहीं मतलब चार्ट और स्ट्रक्चर को लेके और ऑप्शन चेन पे ज्यादा बुलिश है। तो आप हमने देखा कि नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है पुट साइड, ऊपर एक 19,000 का मेन रेजिस्टेंस है और थोड़ा याद नहीं। अगर आप चेंज इन ओआई को देखोगे तो चेंज इन ओआई रिप्रेजेंट करता है कि लास्ट दिन ओआई में कैसा क्या चेंज आया। तो जो कैंडल है ये जो ऊपर बन रही है ये मतलब है कि ये फ्रेश डेटा या फ्रेश पोजीशन ऐड हुई है, जो कैंडलें नीचे बनती है मतलब वहां से अनवाइंडिंग हुई है, मतलब लोग छोड़ के भागे। आप देखोगे 18,700 और 18,800 के आसपास ब्लू कैंडल्स हैं वो जो नीचे साइड बनी हुई है, मतलब कि जितने भी लोग कॉल शॉर्ट करके रखे थे वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके गए। और आप पिंक कलर की कैंडल देखो तो फ्रेश कैंडल्स ऐड हुई है यहाँ पे। तो आपने ये समझा कि हमें पता पड़ा कि कॉल साइड लोग छोड़ के भागे हैं, पुट साइड लोगों ने ऐड कराया, मतलब ऑप्शन चेन पे लोग बुलिश होके गए। तो हमने देख लिया कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है और चार्ट क्या कह रहा है। आप सेम तरीके से बैंक निफ्टी भी कर सकते हो, आप यहाँ देखो ये क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी भी आता है फिर निफ्टी भी आता है। तो आप बैंक निफ्टी पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बैंक निफ्टी का डेटा मिल जाएगा। तो अब अपन वापस आ जाते हैं चार्ट पे। अब चार्ट को ट्रेड कैसे करें कि हमने देखा कि मार्केट ने एक लेवल का ब्रेकआउट दिया है, तो अब जैसे कि मार्केट ने बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट दे दिया तो अपन आगे आ जाते हैं थोड़ा। और अब समझ ये एक मेजर रेजिस्टेंस है अपने लिए। अब जब ये ब्रेकआउट हो गया तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि अच्छा अपन इसके पहले डिस्कस करने पहले ये और देख लेते कि मार्केट खुल का रहा है। तो आप एसजीएक्स निफ्टी देखोगे तो 2 पॉइंट गैप अप बता रहा है, मतलब बिल्कुल फ्लैट बता रहा है, मतलब हो सकता है मॉर्निंग में कल डेटा ये चेंज हो जाए एसजीएक्स निफ्टी, क्योंकि सुबह 7:30-8 बजे फिर से ऑन हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डेटा वेरी कर सकता है। बट अगर आप अभी की प्रेजेंट सिचुएशन देखो तो हम ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने वाले। तो अब ये जो लेवल का ब्रेकआउट दिया ना मार्केट ने 18,790 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ थोड़ा सा मॉर्निंग में सेल ऑफ होकर थोड़ा सा पुल बैक लेके, तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए और ये एक ब्रेकआउट और रिटेस्ट की थ्योरी हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर रिटेस्ट करके कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर निकलता है आप यहां लॉन्ग कर सकते हो, यहां पे काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम और बाइंग पोजीशन हमें बनी देखने मिल सकती है। इनकेस मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुलता है या ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो आपको देखना है कि मार्केट में थोड़ा सा एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा 18,860 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने सेकंड बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास हल्का सा रिजेक्शन दिया था, तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करने लगे मतलब प्रीवियस डे का स्विंग हो गया ये 15 मिनट पे, तो प्रीवियस डे का स्विंग आई जैसे ही क्रॉस करने लगे आपको एक छोटी सी स्कैल्पिंग ट्रेड तो मिली जाएगी 18,877 या 890 तक, या राउंड लेवल अपन इसको राउंड लेवल भी मान लेते कि अगर मार्केट 18,900 तक जा सकता है। बट जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा ना गाइस तो ये फ्रेश ऑल टाइम हाई लग जाएगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागना चालू कर सकता है। तो अपन ने समझ लिया ऊपर का मार्केट को बस एक चीज नहीं करनी है, अगर अपन नीचे की भी थोड़ी बात कर ले क्योंकि एक साइड व्यू बनाना थोड़ा सा गलत रहता है, अपन दोनों साइड ही सोचते हैं। तो गलती से ही मार्केट अगर वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज करके रिटेस्ट करके नीचे जाने लगता है तो फिर ये एक ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो जाएगा। फिर आप इस लेवल को बेसिस पे आप जो भी प्राइस एक्शन बने, कुछ इन्वर्टेड हैमर बने, शूटिंग स्टार टाइप का कुछ भी बेरिश पैटर्न बने, बेरिश एंगल्फिंग बने, तो फिर आप उसको प्राइस एक्शन के बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हो। फिर आपको देखना पड़ेगा कि चार्ट और मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, बट जैसा ब्रेकआउट दिया उसके हिसाब से मार्केट ऑल टाइम हाई बहुत तेजी से लगा सकता है। गाइस बैंक निफ्टी स्टार्ट करने से पहले आप आई होप आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस डेली मेरा बनाना अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए एंड आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली ऐसा प्राइस एक्शन एनालिसिस मिलता रहे। अपन बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखोगे
तो जैसा निफ्टी डाउन ट्रेंड में था, बैंक निफ्टी भी काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, हम लगातार स्लो एंड स्टेडी नीचे आ रहे थे, बट रिसेंटली जैसे ही मार्केट ने रिवर्स लिया तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत बड़ा एक रिवर्सल शो करा, और वहां से हम अप्रोक्स 4-5 हज़ार पॉइंट ट्रेवल बॉटम से करके आ रहे हैं। बट बैंक निफ्टी पे एक खासियत का अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो ब्रेकआउट था आप देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, मतलब बैंक निफ्टी लगातार ऊपर भाग रहा था, बट रिसेंटली एक मंथ या डेढ़ मंथ देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मार्केट बस वॉलेटाइल है, मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया। आप देखो अगर मैं ऐसा एक बॉक्स बना दूं तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज बाउंड है, और अच्छी बात क्या है कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और अपने ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छी बात हमारे लिए है कि बैंक निफ्टी ने बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर शो नहीं करा है। और बैंक निफ्टी का भी गाइस मैं डिटेल एनालिसिस डाल चुका हूँ, तो आप वहां जाके वो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वीकली डेली टाइम फ्रेम पे सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है मैंने। तो गाइस ये प्राइस एक्शन ये अपन ने कल भी डिस्कस करा था कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी पे एक मेजर सपोर्ट लेवल है 43,400 का, ये जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी ने लास्ट एक महीने से एक भी दिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी, तो बेयर्स लोगों का सीधा खेल रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा सेल ऑफ देखने मिलेगा और बेयर्स कंप्लीटली हावी हो जाएंगे बैंक निफ्टी पे और सेलिंग देखने मिलेगी हमें। और जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, मतलब बुल्स को बस 43,400 डिफेंड करना है, ये अगर डिफेंड करते रहे हम तो स्लो एंड स्टेडी मार्केट धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ या बुलिश मोमेंटम में चला जाएगा। तो डिफेंडिंग लाइन हमारे लिए यही है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे कभी भी मार्केट क्लोज करता है तो हमें मतलब बेयरिश होना पड़ेगा, और जब तक हम इसके ऊपर है एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है स्लो एंड स्टेडी। अब अपन अगर बात करो ऊपर जाने की तो कुछ छोटे प्राइस एक्शन लेवल है वो अपन 15 रुपये देखेंगे, बट एक मेजर जो लेवल है वो ये वो एक लेवल है 44,500 के आसपास, जहां से हमें दो बार अच्छा खासा रिजेक्शन देखने मिल चुका है बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको फुल बुलिश जाना है बैंक निफ्टी पे, हालांकि अभी थोड़ा सा स्पेस है इसके पास ऑल टाइम हाई जाने के लिए, बट जैसे ही बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करता है, हमें एक बहुत ट्रेंडिंग बैंक निफ्टी में भड़ाभड़ का बुलिश मोमेंटम ऊपर साइड देखने मिल सकता है, काफी तेज भागेगा बैंक निफ्टी। अब अपन आए थे 15 मिनट पे, बस 15 मिनट में मैं थोड़े से कुछ प्राइस एक्शन आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, ये इसको पहले तो ये हटा देते। तो अगर आपको लास्ट एक्सपायरी याद हो तो बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी ने बेयर फ्लैग बनाया है, अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो बढ़िया सेल देखने मिलेगा, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट करा, काफी लोगों ने इस पे काफी अच्छा प्रॉफिट भी किया था, तो सेल तो देखने मिला, बट फ्राइडे वॉज वेरी सरप्राइजिंग, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा दिन भर वॉलेटाइल रहा, सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा एक 150-200 पॉइंट का बुलिश ब्रेकआउट दिया। तो अपन थोड़े से अब लेवल्स पे बात कर लेते हैं, मतलब मार्केट ने कहीं ना कहीं आप ये समझो कि वी शेप रिकवरी शो करी है, बेयर्स एक्टिव हुए बट इमीडिएटली बुल्स उसको नीचे के लेवल से उठा के ऊपर वापस लेके गए। तो अब ऊपर के लेवल्स को कैसे ट्रेड करें अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू रहता है, तो पहले अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का अगर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ, आप देखोगे एक ये वो, हालांकि मैं पहले इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये जो अपना बेयर फ्लैग था जो अपन ने एक्सपायरी के लिए डिस्कस किया था कि नीचे तोड़ेगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा, तो आप देखोगे कि मार्केट पे एक रेजिस्टेंस था जो मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया और गैप अप खोल के भी वो लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से हमें सेलिंग देखने मिली। तो यही रेजिस्टेंस अगर मैं आगे ड्रॉ कर दूं, आप देखोगे बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उसी लेवल से आके थोड़ा सा रिट्रेस हो गया था फ्राइडे वाले दिन। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारे लिए कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है कल 44,080 के लेवल है, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट है इसी रेंज में कहीं खुल के जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हम इसको लॉन्ग करेंगे, हमें काफी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम देखने मिलेगा। पहला लेवल हमारा बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था हमारे लिए जहां मार्केट पहले भी रिजेक्शन ले चुका है, यहाँ पे गैप अप खोल के भी एक रिजेक्शन दिया, तो इसको भी अपन मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये रहेगा 44,240 के आसपास या 200 के आसपास ये लेवल आता है, और इसके बाद अगर आप और ऊपर के लेवल पूछोगे तो फिर सीधा आप देखोगे कि ये जो स्विंग है ये अपना जो ऑल टाइम हाई का स्विंग है, मार्केट 2-3 बार अटेम्प्ट करके भी यहाँ से फेलियर मिला, अगेन एक फेलियर मिला, तो ऑल टाइम हाई का स्विंग तो वैसे भी सबके लिए इंपॉर्टेंट होता ही, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, तो ये अपन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने तीन मेजर रेजिस्टेंस निकाल लिए ऊपर के, बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो गए इसी रेंज में कहीं ओपन होता है और जैसे ही अपना 44,050 का लेवल क्रॉस करता है हम इसको लॉन्ग करेंगे, पहला टारगेट हमारा 44,230 के आसपास आएगा, अगर बैंक निफ्टी 44,230 को भी क्रॉस कर देता है अपना ये वाला रेजिस्टेंस तो हम इसको फर्दर मोर लॉन्ग करेंगे, अपने ऑल टाइम हाई तक बैंक निफ्टी जा सकता है 44,440 तक, और अगर ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर देता है बैंक निफ्टी तो एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन हमें देखने मिलेगा। बट मेरे ख्याल से एक दिन के हिसाब से बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट सफिशियंट है, बट बैंक निफ्टी का भरोसा नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी कितना भी भाग सकता है। नीचे की अगर आप बात करो तो बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा स्विंग बना रखा है जहां से मार्केट ने बुलिश ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा बुल्स एक्टिव है, इसको अपन थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं।
ये वो लेवल रहेगा ये। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट है इसी रेंज में खुल के अपना 40,698 या 40,000 इसको 700 अपन राउंड लेवल कर लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के यहाँ का अपना ये स्विंग लो तोड़ता है तो हमें जितने भी लोग सेलर बायर्स एक्टिव थे यहाँ पे वो लोग अपनी पोजीशन एक्टिवली जिन होल्ड करें वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और इसके चलते हमें सेलिंग देखने मिल सकती है। और सेलिंग कहाँ तक देखने मिल सकती है, ये वो लेवल है जहाँ मार्केट ने लास्ट टाइम सेलिंग पॉज करी थी, यहाँ बायर्स ने एक्टिव हुए थे और अगले दिन गैप अप से मार्केट ऊपर भाग गया था। तो ऊपर के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, नीचे अगर ये स्विंग तोड़ेगा तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ अपना टारगेट बना सकते हो। आई होप आपको सिंपल आंसर अच्छा लगा हो। मिलते हैं कल एक फ्रेश एनालिसिस के साथ, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।